तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ मीशो से सारीज का हॉल वीडियो, जो कि स्पेशली मैंने तीज और रक्षाबंधन, मतलब आने वाले त्योहारों के हिसाब से परचेज करी है। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं शेयर करने वाली हूँ मीशो से फेस्टिव वेयर सारीज का हॉल वीडियो। तो दोस्तों, जिन लोगों को मीशो के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ से आप रीसेलिंग करके घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, मीशो पे जो है कोई भी प्रकार की लिंक्स अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे ओनली प्रोडक्ट्स के कोड्स होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इन सभी के कोड एंड प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनका स्क्रीनशॉट एंड प्राइस आपको जो है स्क्रीन पे भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मीशो में साइन अप नहीं किया है तो आप मेक श्योर करें कि आप मेरे दिए गए साइन अप लिंक से ही साइन अप करें। उससे क्या होगा, आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 30% से लेकर 100 रुपीज तक का बेनिफिट मिल जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड डील। तो ये जो ऑफर है ना, ये जो डिस्काउंट है, ये ओनली फर्स्ट यूजर के लिए है दोस्तों। और अगर आप मेरे दिए गए साइन अप लिंक से साइन अप करोगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाता है, तो उससे आपको जो है ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हॉल। सबसे पहली जो साड़ी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये एक बांधनी की साड़ी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। बांधनी की साड़ी है, साथ ही साथ इसमें गोटा का काम किया हुआ है। बहुत ही प्यारी सी ये जो है जॉर्जेट की साड़ी आएगी। ये जो साड़ी है आप रक्षाबंधन के लिए या फिर राखी के लिए, सॉरी राखी और रक्षाबंधन तो एक ही होता है, तो राखी के लिए, जन्माष्टमी के लिए या फिर तीज वगैरह के लिए, किसी भी तीज त्योहार के लिए आप इस साड़ी को परचेज कर सकते हो, व्रत वगैरह के लिए भी, क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, साथ में आपको मिलता है इसमें पूरे में बंधेज का प्रिंट है, गोटा का काम किया हुआ है। तो जो लेडीज गोटा का ओढ़ना लेती है अपने सर पे या फिर बांधनी या गोटा का ओढ़ना ओढ़ती है, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस साड़ी में गोटा भी आ रहा है और बंधेज भी आ रहा है। तो बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप किसी को गिफ्ट अगर करना चाहते हो रक्षाबंधन के लिए, राखी के लिए, तो डेफिनेटली आप गिफ्ट भी कर सकते हो अपने ननद को, अपनी भाभी को, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोटा का काम है, मतलब दिखने में जो है ये साड़ी हैवी लुक देती है, बट स्टिल पहनने पर बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट वेटेड साड़ी है, तो काफ़ी सही रहता है। आप उसको पहन के दिन भर अपना घर का काम वगैरह कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो अपना फेस्टिवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोटा का ये जो बॉर्डर है कितना प्यारा लग रहा है, तो पूरी साड़ी में तो आपको ये बॉर्डर मिल जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगती है वाली साड़ी। और यहाँ पे ये रहा इसका ब्लाउज का फैब्रिक, तो ये रेड कलर का ब्लाउज का फैब्रिक आएगा, जिसमें यहाँ में बांधनी का इन गोटा का ये बॉर्डर दिया गया, जो कि स्लीव्स पे आप लगवा सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ओवरऑल मैं कहूँगी, और बहुत ही जो प्राइस है इसका उसके अकॉर्डिंग वर्थ है ये साड़ी। तो अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो या खुद के लिए परचेज करना चाहते हो, तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी कि डेफिनेटली आप ट्राई करें इस साड़ी को, बहुत पसंद आएगी आपको। अब जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये स्पेशली मैंने तीज के त्यौहार के हिसाब से परचेज करी है, तो इसमें जो है लेरिया भी है और ये ग्रीन कलर की साड़ी भी है। तो ये जो है सिल्क की साड़ी आएगी, कुछ इस टाइप की, जो एक सॉफ्ट सिल्क होता है ना उसकी साड़ी है ये। बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी, आप देख सकते हो इसमें जो है लेरिया बना हुआ है, साथ में यहाँ पे आप जो बीच बीच में देख रहे हो ये बूटा बना हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लास एंड थ्रेड का काम किया हुआ है, और पूरी साड़ी में आपको लेरिया का पैटर्न मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे ये बॉर्डर पे गोल्डन बॉर्डर मिल जाएगा आपको। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी आएगी स्पेशली तीज के त्यौहार के लिए, और अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप किसी भी फेस्टिवल में पहन सकते हो, बट तीज के त्यौहार में ज़्यादातर ग्रीन वाला ट्रेंड ज़्यादा होता है, ग्रीन साड़ीज, ग्रीन चूड़ीज, तो उसके हिसाब से मैंने परचेज करा है। तो इसका आँचल कहाँ गया, सो यस दोस्तों, ये रहा इसका आंचल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये इसका आंचल आएगा, यहाँ पे टेसल का काम किया हुआ है, ग्रीन कलर की साड़ी आएगी लेरिया पैटर्न में, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही लाइट वेटेड है, पहनने पर बहुत कंफर्टेबल रहेगी। आप देख सकते हो इसमें ये बॉर्डर आपको मिलेगा एंड पूरे में जो है लेरिया का पैटर्न है, और पूरे में आप देख सकते हो ये जो आर्टिफिशियल ग्लास का वर्क किया हुआ है एंड थ्रेड का वर्क किया हुआ है, बूटे बने हुए हैं पूरी साड़ी में। बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है, ड्रेप करना बहुत इजी है, संभालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप जितना ज़्यादा हैवी साड़ी पहनते हो ना, उसको मेंटेन करना, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब आप उसको पहन के काम वगैरह तो नहीं कर सकते, आप बस उसको पहन के बैठ सकते हो, बट इस टाइप की साड़ीज़ में आप कुछ भी काम वगैरह भी आराम से कर सकते हो, और आपका त्यौहार का त्यौहार भी हो जाता है, लुक भी अच्छा मिल जाता है आपको। तो ये जो साड़ी है कुछ इस टाइप की रहेगी,
पूरे में आपको ये लेरिया का पैटर्न मिलेगा। और यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हो बांधनी का ब्लाउज आएगा इसका, जिसमें पूरे में बंधेज का प्रिंट है और ये वाला सिल्क का बॉर्डर दिया गया है, ये वाला सिल्क का फैब्रिक का यहाँ पे बॉर्डर दिया गया जो कि स्लीव्स पे आएगा। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही प्यारा ब्लाउज का फैब्रिक है। तो तीज का त्यौहार में ज़्यादा दिन नहीं रह गए, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर लो ताकि आपके ब्लाउज वगैरह रेडी हो जाए। तो ये काफ़ी खूबसूरत साड़ी मुझे लगी तीज के त्यौहार के लिए स्पेशली। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये है जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी और ये लेरिया के पैटर्न में है, बट इसमें सभी कलर्स ऐड है। आप इसको तीज के लिए भी परचेज कर सकते हो, साथ ही साथ आप किसी भी फेस्टिवल में पहन सकते हो। बहुत ही प्यारी साड़ी है। ये रहेगा इसका आंचल, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का, यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला आंचल जिसमें गोटा का काम किया गया है। और पूरी साड़ी में ये लेरिया का मल्टी कलर प्रिंट रहेगा, आप देख सकते हो पैटर्न रहेगा। ऐसा कह सकते हो सतरंगी साड़ी जो कहते हैं ना, रेड कलर है, येलो कलर है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, तो काफ़ी सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, अगेन कंफर्टेबल है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे ये गोटा का काम किया गया है और ब्राइट कलर में है ये साड़ी, डल कलर नहीं है। इसका जो कलर है आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आप किसी भी फेस्टिवल वगैरह में पहन सकते हो। और इसका जो ब्लाउज आएगा वो कुछ इस टाइप का आर्ट सिल्क का आएगा, ये यहाँ में फोल्डेड फैब्रिक लगाया हुआ है दोस्तों। इसमें जो है यहाँ पे गोटा का हल्का काम किया हुआ है जो कि आपके बॉर्डर में आ जाएगा स्लीव्स के। ओवरऑल कहूँगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साड़ी है, अगर आप लेना चाहते हो कोई बजट के अंदर में अच्छी सी साड़ी तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो ये वाली साड़ी, मुझे काफ़ी सही लगी। और ड्रेप करने में बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग साड़ी पहनते नहीं हैं, त्यौहारों पे ही बेसिकली साड़ी पहनते हैं, तो ये वाली जो साड़ी है ड्रेप करना बहुत ज़्यादा आसान होगी और चलना फिरने में भी बहुत आसान होगी क्योंकि सिंपल की सिंपल है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग जाती है अगर आप इसको अच्छी तरह से मतलब मेंटेन कर लो तो। उसके बाद में मैंने ली है दोस्तों एक ये तीज के त्यौहार के लिए स्पेशली वाली साड़ी जो कि ग्रीन कलर में है, और आपको इन सब साड़ियों के अलग अलग कलर्स भी मीशो में मिल जाएंगे, बट मैंने जो है स्पेशली तीज के त्यौहार के लिए या फिर रक्षाबंधन के हिसाब से परचेज करा है तो मैंने इसलिए ग्रीन कलर ज़्यादा ऐड करा है इसमें। तो ये जो एक कांजीवरम साड़ी है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये ग्रीन कलर की साड़ी रहेगी रेड कलर के बॉर्डर के साथ में। तो आई थिंक ये इसका आंचल है, ओके यस, यहाँ पे ये इसका आंचल रहेगा रेड कलर का, यहाँ पे इसका आंचल ये रेड कलर का आएगा। और ये पूरी जो साड़ी रहेगी इसमें आप देख सकते हो कितना हैवी ये रेड कलर का बॉर्डर दिया गया है। ग्रीन कलर की ये साड़ी रहेगी, बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है इसका, जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अगर आप खुद के लिए परचेस करना चाहते हो तो खुद के लिए भी आप परचेस कर सकते हो। इसका जो रेड कलर का बॉर्डर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा मतलब हैवी सा बॉर्डर लग रहा है, और ग्रीन कलर की ये साड़ी आएगी कुछ इस टाइप की, तो पूरी साड़ी ऐसी ही रहेगी। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये रेड कलर का इसका ब्लाउज, और ब्लाउज का जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है, अगर आप डबल एक्सएल तक हो ना तब भी आपका ब्लाउज आराम से स्टिच हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है गोल्डन का जो है ये बॉर्डर दिया गया है गोल्डन जरी का काम का, तो ये जो बॉर्डर है ये आपके स्लीव्स पे आ जाएगा, तो काफ़ी सुंदर लगेगा रेड एंड ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन का ये ब्लाउज है। एंड इसका जो फैब्रिक है ना ब्लाउज का वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड साड़ी भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है, ड्रेप करने में बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड फैब्रिक नहीं है, सॉफ्ट फैब्रिक है, तो ड्रेप करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल कहूँगी काफ़ी अच्छी साड़ी है बजट के अंदर में। नेक्स्ट जो साड़ी है दोस्तों ये जो साड़ी है ये कोटा सिल्क में साड़ी आएगी और ये भी बहुत बजट फ्रेंडली साड़ी है, ये भी मैंने खास तीज के त्यौहार के हिसाब से परचेज करा है, लेरिया है साथ में ग्रीन कलर भी है। तो यहाँ पे आपको इसमें भी अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, अगर आपको ये साड़ी ग्रीन के अलावा दूसरे कलर में चाहिए तो आपको दूसरा कलर भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है कुछ इस टाइप की साड़ी रहेगी और साड़ी में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी साड़ी है और आप देख सकते हो पूरे में आपको जो है लेरिया का पैटर्न मिलेगा और साड़ी की लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी खासी दी गई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है सिल्क का बॉर्डर लगाया गया है एंड पूरी लेरिया की साड़ी रहेगी कोटा सिल्क में, तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है बजट के अंदर में। अगर आप इस साड़ी को परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो फैब्रिक है ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और मैं कहूँगी अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो ना तो आपके ऊपर ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी क्योंकि कोटा सिल्क एंड कोटा का फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा फूला हुआ फैब्रिक होता है, तो अगर आप स्लिम बॉडी के हो ना तो वो आपको थोड़ा सा मतलब आपकी जो फिगर है ना उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाता है, तो इसीलिए इस टाइप की साड़ी स्लिम बॉडी वाले पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो तो। तो यहाँ पे ये साड़ी कुछ इस टाइप की रहेगी पूरी साड़ी, और इसके अंदर में आई थिंक ब्लाउज पीस इसका सेम रहेगा या फिर इसके अंदर ब्लाउज पीस नहीं आएगा,
मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर दूंगी कि इसके साथ में ब्लाउज पीस आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये पूरी ओनली साड़ी ही आएगी, क्योंकि कोटा के काफ़ी सारी साड़ीज में ओनली साड़ी आती है, ब्लाउज पीस नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आज के हॉल में भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट का रिव्यू, इसका नाम है अस्फा हलाल वाटर बेस्ड फेस सीरम विथ रोज एक्सट्रैक्ट। तो ये जो है अप्सा हलाल का प्रोडक्ट है, तो ये हलाल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वेगन होते हैं। यहाँ पे आप ग्रीन मार्का देख सकते हो यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक वाटर बेस्ड सीरम है, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जेल बेस्ड सीरम आपने यूज़ करे होंगे। वाटर बेस्ड सीरम जो होते हैं वो आपकी स्किन में जो है लगाते ही पेनिटेट हो जाते हैं आपकी स्किन के साथ में, एंड इंस्टेंटली आपकी स्किन को जो है ग्लोई बनाने में, शाइनी बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये वाला जो फेस सीरम है, ये 10 ml का प्रोडक्ट आता है और सेल चल रही है, तो आपको और भी डिस्काउंट में मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। वैसे तो ये 275 rupees का है, बट सेल में अगर आप परचेज करोगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है दोस्तों, और पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है ये। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है किस तरीके से आता है मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो इनर पैकेजिंग है वो कुछ इस टाइप में आता है, और इसके अंदर जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो बहुत ही अच्छी माइल्ड रोज वाली फ्रेग्रेंस आती है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल वाटर बेस्ड रहेगा, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, तो आप ये देख सकते हो। और इसको लगाते ही ये जो है स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि पानी होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है। बट इसके अंदर में बहुत ही अच्छी सी रोज की फ्रेग्रेंस आती है, तो ये फ्रेग्रेंस फ्री तो नहीं है, बट ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। अगर आप रोज़ वाटर वगैरह यूज़ करते हो तो आप जो है ये वाला सीरम यूज़ कर सकते हो। और ये जो है वाटर बेस है, तो गर्मियों के टाइम पे जो ह्यूमिड वेदर होता है उस टाइम पे आपको चिपचिपापना नहीं देगा। बहुत सारे जो सीरम होते हैं वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपापन छोड़ देते हैं, तो ये वाला सीरम के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसको आफ्टर क्लेंजिंग टोनिंग के बाद में आप इस सीरम को अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद में जो भी आप अपना डे क्रीम नाइट क्रीम यूज करते हो वो आप यूज कर लीजिए। आपकी स्किन में एक मैट फिनिश लुक देगा, ये ग्लो देगा एक, और आपकी स्किन को साथ ही साथ अंदर से हाइड्रेट भी करेगा। तो मुझे एक प्रोडक्ट जो है काफी पसंद आया, अगर आप भी ट्राई करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, क्योंकि अभी सेल चल रही है तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरा दिया गया कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का तीज के त्यौहार के लिए स्पेशली सारीज का हॉल। अगर आपको दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।